देखिए दोस्तों, बहुत प्यारा सा व्यू मेरे गार्डन की। देखिए वहाँ पे गोभी के पेड़ के पास एक प्यारी सी चिड़िया फुदक रही है। वहाँ पे देखिए व्यू, जूम करके दिखा रही हूँ। मस्ती के मूड में है फूल फूल गोभी का पेड़ है, उसी के पास फुदक रही है। दो हैं, घूम रही हैं अपना, दोनों फुदक रही हैं। देखिए इधर फ्लावर्स के प्लांट हैं, बहुत बड़े बड़े गेंदा का फूल है। और उधर हमारी प्यारी चिड़िया रानी फुदक रही हैं। फुल मस्ती के मूड में है। ये देखिए एकदम पास में आ गई है फुदकते फुदकते। आइए आप लोग को दिखाती हूँ अपने गोभी के फूल का प्लांट। ये देखिए गोभी लगा हुआ है और चिड़िया रानी यहाँ पे फुदक रही हैं, आराम से मस्ती के मूड में हैं, खूब इंजॉय कर रही हैं चिड़िया रानी हमारे घर पे। और इधर है गोभी, फूल गोभी है। उधर पत्ता गोभी लगा हुआ है, ज़्यादातर तो कट चुका है, थोड़ा बहुत ही बचा है अभी। ये भी फूल गोभी है, बहुत बड़ा फ्लावर है, ज़्यादातर कट चुका है, बहुत कम है। इधर थोड़ा बहुत धनिया भी है, इसी में धनिया है, धनिया का प्लांट है ये। और उधर हमारी चिड़िया रानी आराम से मस्ती के मूड में है, फूल मस्ती कर रही है। इधर धनिया का प्लांट है, आप देख लीजिए कितना सुंदर धनिया का पेड़ है, हरा हरा धनिया। इधर गोभी, फूल गोभी है, उसके पास धनिया का पेड़ है। और ये देखिए बथुआ का बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत बड़ा बथुआ का पेड़ है। देखिए कितना बड़ा बथुआ का पेड़ है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा बथुआ का प्लांट है ये। खूब हवा के झोंकों में सब अपना मस्ती कर रहे हैं, लहलहा रहे हैं। बहुत ही सुंदर व्यू है मेरे गार्डन का। इधर भी गोभी है, पत्ता गोभी, इधर लगे हैं पत्ता गोभी। देखिए पत्ता गोभी है, धनिया है, प्यारा सा गार्डन का व्यू। मैंने सोचा लोग को दिखा दूं। इधर पालक लगा हुआ है, इधर पालक है, उधर लहसुन है, इधर धनिया है, धनिया का प्लांट है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। इसी तक प्यारी प्यारी वीडियोस हम आप लोग के लिए लाते रहेंगे। मैंने सोचा व्यूज़ अपने प्यारे से गार्डन का आप लोग को दिखा दूं। पूरा चारों तरफ नेचर ही नेचर है। प्लांटेशन किया गया है खूब ढेर सारा। इधर धनिया है खूब ढेर सारा, धनिया में फ्लावर हुआ है, फ्लावरिंग आई है, ये इसमें अभी फूल आएगा। ये धनिया का पेड़ है, लोगों ने इतना बड़ा कभी, वो बथुआ का पेड़ है, बहुत बड़ा बथुआ का पेड़ है, इतना बड़ा बथुआ का पेड़ कभी नहीं देखा होगा। और इसका साग भी बहुत टेस्टी बनता है, बहुत टेस्टी साग बनता है बथुआ के पेड़ का, टेस्टी।